पर शोषण हुए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर बिल्कुल भी, उनका लक्ष्य था कि देश में जो शोषित थे, वंचित है, उनको अधिकार दिलाना। बाबा साहब ने कभी भी यही नहीं सोचा कि किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक समाज के लिए काम किया। बाबा साहब ने एक संतमूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया था। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर सबसे ज्यादा जो दुखी थे वो मनुवाद से थे, क्योंकि उस वक्त इस देश में दलितों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। तो बाबा साहब ने ये चीजें जब बाहर विदेश पढ़ने गए तो ये चीजें जब देखी वहां पर कि विदेश में वहां पर न कोई जात पात है, न कोई भेदभाव है, उसके बाद बाबा साहब ने ये लक्ष्य रख लिया कि मुझे अपना सारा जीवन इनके उद्धार के लिए, जो शोषित वंचित हैं उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए लगाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, बाबा साहब के आज 1956 में देहांत के बाद भी, इतने दिन बीते जाने के बाद भी, आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही है। बाबा साहब को मिटाने के लिए कुछ लोग अनेक तरह के प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर कि कुछ लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। साथियों, बाबा साहब जब विदेश में एक अपनी कक्षा ले रहे थे, प्रोफेसर बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि इंसान जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो मर जाता है, ये इंसान की प्रक्रिया होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने तुरंत उस प्रोफेसर को जवाब दिया कि इंसान जन्म लेता है, इंसान जन्म लेता है लेकिन वो मरता नहीं है। तो बाबा साहब से पूछा गया कि क्यों नहीं मरता है, तो बाबा साहब ने कहा था कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी विचारधारा नहीं मरती, जब तक उसका विचार जीवित है वो आदमी मरा हुआ नहीं है। तो साथियों, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़े, बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन बाबा साहब एक विचारधारा है, विचारधारा कभी मिट नहीं सकती है साथियों, क्योंकि वो तो हम सब लोगों की, आज हम सब लोगों की खून की नसों में दौड़ रहा बाबा साहब की विचारधारा, वो कभी मिट नहीं सकती है, चाहे वो मूर्ति तोड़े चाहे बाबा साहब का विरोध करे। इसलिए साथियों, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोलने गए, बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में सुख सुविधाएं भी नहीं ली, क्योंकि बाबा साहब जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, एक वक्त ऐसा था कि वो बहुत गरीबी में, जब उनका बेटा का देहांत हुआ था तो कफन के लिए पैसे तक नहीं थे, तो माता रमाबाई ने अपना पल्लू फाड़ के और कफन के रूप में भी उसका उपयोग किया था साथियों। और एक घटना का और जिक्र करता हूं मैं साथियों, जब बाबा साहब को 1930-32 गोर में सम्मेलन में जाना था तो उसी वक्त बाबा साहब के पुत्र का देहांत हो जाता है। उसके बाद बाबा साहब को सूचना मिलती है कि आपके पुत्र का देहांत हो गया है, इसलिए आप गोर में सम्मेलन में नहीं जाए और उनके देहांत में जाए। तो बाबा साहब ने साथियों क्या विचार दिया, क्या बोला था साथियों, बहुत सोचनी है। बाबा साहब ने कहा था कि ठीक है कि अगर मैं वहां पर नहीं गया गोलमेज सम्मेलन में, तो अभी तो मेरा एक पुत्र मरा हुआ है, मेरे पुत्र का देहांत हुआ है, मैं एक पुत्र के देहांत के लिए मेरे करोड़ों लोगों को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं वहां गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा तो मैं वहां पर इनके प्रतिनिधित्व की बात करूंगा, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन था वो इसी विषय पर था। तो बाबा साहब ने वहां
बेस थे उनका प्रतिनिधित्व किया और उसी के बेस पर ही हम लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी साथियों। इसलिए साथियों बाबा साहब ने कहा था, तीन मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही डालेगा। साथियों बाबा साहब ने नारियों के लिए भी जब हिंदू कोड बिल रखा था, तो बाबा साहब का जब विरोध हुआ हिंदू कोड बिल का, तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों उसमें महिलाओं के अधिकारों की बात थी, तो बाबा साहब ने कहा था अगर किसी समाज के उद्धार का, किसी समाज का आकलन करना हो कि उसका कितना विकास हुआ है, तो उसमें यह देखना जरूरी है कि महिलाओं का कितना विकास हुआ। साथियों और बाबा साहब ने लास्ट में, क्योंकि हिंदू धर्म था, तो बाबा साहब ने कहा था यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन यह मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने उसी मनुवाद के विरोध में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दी और 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब ने यह बौद्ध धर्म ऐसे के लिए नहीं किया था, बाबा साहब ने रिसर्च किया था, बाबा साहब ने शोध किया था और बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस धर्म को, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। और ये चीजें साथियों बौद्ध धर्म देता है। बौद्ध धर्म में कभी भी कोई पाखंड या कोई भी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म में केवल बुद्धि से, विवेक से किसी चीज को मानकर ही उस चीज को, सच्चाई को माना जाता है। साथियों इसलिए ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। साथियों बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ मेरे साथी और भी बताए हैं, मेरा टाइम उनको मैं देना चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आए हुए साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।